So today I am here with the explanation of euphemism. See what is euphemism? An indirect word. एक indirect word or expression, ये expression that you use instead of a more direct one. आप किसी ऐसे direct आपने कुछ किसी को बोलना है उसकी जगह पर आप कोई polite word का use कर रहे हो उसकी जगह पर. When you are talking about something, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, that is unpleasant. कोई बुरी बात किसी के बारे में बोलना चाहते हैं लेकिन आप उसकी जगह पे वो बात ना बोल के कोई और बात का यूज़ करते हो, जैसे कोई वो इनडायरेक्ट होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म बोलते हो. जैसे देखो एग्जांपल है इसके, लेटिंग समवन गो इंस्टेड ऑफ फायरिंग समवन. अब यहाँ पे फायरिंग समवन, अगर आप किसी को बोलते हो अरे मैंने तो उसको वहाँ से निकाल दिया, काम से मैंने उसको निकाल दिया, ये वर्ड बहुत एम्बेरेसिंग है और क्या है, अनप्लीजेंट है, अच्छा नहीं लगता ये वर्ड सुन के. लेकिन अगर इसकी जगह पे किस वर्ड का यूज़ हो सकता है, लेटिंग समवन को, किसी को जाने देना कि भाई मैंने उसको जाने दिया, ये इतना अनप्लीजेंट और एम्बेरेसिंग नहीं लग रहा जितना वो वर्ड लग रहा है कि भाई मैंने तो उसको काम से निकाल दिया, मैंने तो उसको निकाल दिया. सेकेंड देखिए, ऑन द स्ट्रीट्स इंस्टेड ऑफ होमलेस. होमलेस कहने की बजाय कि उसका तो कोई घर नहीं है, कोई घर बार नहीं है, नहीं सॉरी, ऑन द स्ट्रीट्स कहने के बजाय उसको हम क्या कह सकते हैं, होमलेस, कि वो तो सड़कों पे फिर रहा है, सड़कों पे रहता है, उसका कोई घर बार नहीं है, कुछ नहीं है. उसकी जगह पे इसने यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, होमलेस का, कि एक होमलेस उसकी जगह पे एक इनडायरेक्ट वर्ड हो गया. नेक्स्ट है इकोनॉमिकल इंस्टेड ऑफ चीप. चीप की जगह पे इस वर्ड का यूज़ कर दिया, इकोनॉमिकल होगा किफ़ायती और चीप का मतलब सस्ता, हम सस्ते की जगह किफ़ायती वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. ये भी क्या हो गया, इन वर्ड्स का अल्टरनेटिव मिल गया इसका. टेकिंग एन अर्ली रिटायरमेंट इंस्टेड ऑफ कोर्ट फायर्ड, ये बोलना किसकी जगह पे, किसको काम से निकाल दिया या उसको निकाल दिया गया, उसकी जगह पे ये बोलना कि उसने क्या ले ली, अपने काम से रिटायरमेंट ले ली. हम ऐसा नहीं बोल कि उसको तो काम से निकाल दिया, इसकी जगह पे ये बोल सकते हैं कि उसने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली. तो मतलब कि कोई ऐसा वर्ड जिससे किसी को एम्बेरेस और अनप्लीजेंट फील हो उसकी जगह पे कोई और वर्ड का यूज़ करने क्या होता है, यूफेमिज्म होता है. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच यूफेमिज्म अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे इसका यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.